सी, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी, एग्जाम क्रैक करने के बाद इस पूरे कोर्स में क्या लागत आती है, क्या कॉस्ट पड़ती है इस पूरे कोर्स की? हर पेरेंट के मन में ऐसा जरूर आता है और ये लाजमी है आज के महंगाई के दर में ये बात सोचना कि अगर हम अपने बच्चे को इस MBBS के कोर्स में डलवाते हैं तो कितना खर्चा आता होगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर MBBS करनी है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट की कोचिंग भी पहले बहुत महंगी होती थी, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आई, जैसे जैसे ऑनलाइन का चलन आया, ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि अनअकैडमी, जिनसे आप ये सारी कोचिंग बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में कर सकते हो। अब आपने अगर अच्छी कोचिंग ली है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कि आप कितनी फी पे करेंगे। कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स, जिपमर, जिसमें जो फीस है वो 10,000 to 25,000 है पर ईयर, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर फीसेस जाती है 70,000 to 90,000 पर ईयर। और अगर आपके एडमिशन किसी वजह से प्राइवेट कॉलेज में होता है तो प्राइवेट की फीसेस 5 lakh to 10 lakh पर ईयर, और कई बार इससे ज्यादा भी हो जाता है। बट उसके लिए भी हमारी सरकार, हमारे सरकारी बैंक, हमारे प्राइवेट बैंक के पास लोन की फैसिलिटी है।